डॉक्टर मुश्ताक छुट्टी है ऐसा, मगर इच्छुमा मान कि ये गुस्सा करते हैं, ये तलख मिजाजी बरतते हैं डिजिटल हैंडल्स पे दपा की प्रतक सरजमीन मजान तम फलविन गुलाब यद मुश्किल सन पूरे चमन मुश्क तो अनंत नागस तुरे इम्तियाज हासिल। अनंत नाग को ये इम्तियाज हासिल है कि ये चश्मो की सरजमी न सिर्फ साफ पानी हमें देती है बल्कि साफ जहन और जहीन दिमाग भी हमें देती है, जहीन अफराद को भी हमें देती है। बिल्कुल वैली रेस्पिरिंग टेल्स में आपका खैर मकदम है और आज जिस शख्स को, जिस पर्सनालिटी को हमने दावत दी है उनका तो पूरे इंडिया में दबदबा है। और कहते हैं ना कि हमारी दिल्ली भी तमन्ना थी, आज तो दिल समझिए अक तमन्ना के मनसद कर रहा मुलाकात यही जिंदगी मुतलिक जानाओ, उम्र मुतलिक जानाओ। बिल्कुल मेन मेहमान छ आज नॉर्थ इंडिया में मशहूर फेमस माहिरे अमराज अतफाल यानी कि पीडियाट्रिक जो डॉक्टर होते हैं, जो शोभा होता है बच्चों का इलाज करने में, और वो है नॉर्थ इंडिया में फेमस डॉक्टर, पीडियाट्रिक डॉक्टर। और हमारे लिए खुशनसीबी है कि उनका ताल्लुक जो है वो अनंतनाग से, अनंतनाग की सरजमीन से ही ये ताल्लुक रखते हैं और जो बड़े ओहदों पे भी रहे, यानी कि जीएमसी श्रीनगर में भी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, वहां पे डॉक्टर्स को पढ़ाते रहे। आजकल जीएमसी अनंतनाग में भी ये प्रोफेसर के ओहदे पे फाइज है, वहां पे डॉक्टर्स को पढ़ाते हैं। और जी हाँ, इनके डायग्नोस के बारे में क्या कहूं, लेकिन आज हम डॉक्टर के हवाले से बात नहीं करेंगे कि कौन सी बीमारी का क्या इलाज है, क्या एहतियाती तदाबीर है, बल्कि आज हम इनकी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आज के मेहमान है मेरे डॉक्टर शेख मुश्ताक साहब, जिनका ताल्लुक अनंतनाग से है। और मैं आपको अपनी जानिब से, अपनी टीम की जानिब से, अपनी मैनेजमेंट की जानिब से वेलकम करता हूँ, मुझसे खुश आवे करा। शुक्रिया, शुक्रिया सो मच, जरा नवाजी आपने। डॉक्टर साहब, आज कर इस कथ थोड़ा बनाओ इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट वैली इंस्पायरिंग टेल्स, आज कर तुम्हारे इंटरव्यूज वित करंट मुस्तबिल इनशाला दादर मुतलिक, तो बहुत जान डॉक्टर मुश्ताक साहब अख नाव अख ब्रांड अ पूर मुल्क नॉर्थ इंडिया मजे तुम क्या पूरे इंडिया मे तुम सरकर्द बच्चे डॉक्टर मज शुमार कर। डॉक्टर मुश्ताक साहब बचपन क्यूथ कत आय? बहुत पुरानी बात है, बहुत पहली बात है, मुझे लगता है एक जन्म हो गया है। अब जन्म गो, आई एम टचिंग 70s नाउ। अच्छा, तो ये मैं काड़ीपोरा में पैदा हुआ, काड़ीपोरा जिसको हम अनंतनाग का डाउन टाउन भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कैडपुर शुजाम में अब भी मेरा मकान वहाँ पे वही है। अच्छा, वो मकान खड़ा है वहाँ पे, माजी की यादें खड़ा है, वो इमारत मेरे सामने है, मैं वहाँ से गुजरता हूँ, अपनी यादें देखता हूँ। इस्लामाबाद मोस्ट ऑफ द पीपल जो बड़े बड़े मिनिस्टर भी बने, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर बने, बड़े ऑफिसर्स बने, तो एक रेस्पेक्टेबल, एक शरीफ नफ्स आदमी शेख गुलाम रसूल मेरे फादर साहब थे, मेरे वालिद साहब थे। तो फैमिली उस टाइम हुआ करती थी, चार तीन चार पांच बच्चे, हम भी ऐसे ही थे घर में, तो एक बंदा कमाता था और आठ बंदे खाते थे। आज तो रिवर्स हो गया, सात कमाते हैं एक खाता है, फिर भी कोई खुश नहीं है। हम बड़े खुश थे उस टाइम, मैं ये कहूँगा कि एवरीबडी वाज पुअर, भगवान ने साथ पढ़ते थे, लेकिन सब एक ही जैसे थे। आजकल जो फैसिलिटी आती है, जो फैसिलिटी आना शुरू हो गई, गैजेट्स आना शुरू हो गए, एसी का तो सवाल नहीं था। जब एसी किसी ने लाया कहीं से, तो यहाँ जो पोर में उसने भी एसी ब्लोअर लाया, कंपटीशन में पड़ गया। एवरीबॉडी हैज गॉट द सेम थिंग, उस टाइम सारे ही एक ही लेवल पे थे। मैं कहूँ गरीब थे लेकिन खुश थे, दिल के साफ थे,
खुश थे, दिल के साफ थे, हम स्कूल में पढ़ते थे। तो आई वॉज बॉर्न इन कारीपोरा अनंतनाग। तालीम मेरी प्यारी जब शुरू होगी तो यहाँ पे उस टाइम एक प्राइवेट स्कूल हुआ करता था, नसरतुल इस्लाम इस्लामी स्कूल। तो वो यूएस या हज बालकनागी स्कूल। आई विल टॉक इन कश्मीरी उर्दू एंड दिस। बिल्कुल बिल्कुल अलाउड सर। उर्दू बिल्कुल सर। तो जनाब इसी या हज पारन तातिबन बालकनाग। बालकनाग को सल्फर सुप्रिंग आनता को वारिया मशहूर नाग। अल्लाह के लिए आजकल जो आसन यहाँ नाग जेरी से खराब गई। हमने पानी की कदर नहीं की, पानी क्योंकि हम पानी में ही थे, पानी की हमने कदर नहीं की। گئی اس یہاں سے پنس ہنفیا انسٹیٹیوٹ آج یہ ایم ایل ہائر سیکنڈری اسکول بوائز اس اننت ناگ دیٹ ٹائم وی آر رانی باغ فار گرلز تو ایم ایل ہائر سیکنڈری فار بوائز ان لکیلی ونکس بوائز اسکول وی ہیو اے کو ایجوکیشن شاخ شاد محلس مز تو میں نے وہاں پڑھا تین سال الیکٹوس تین تمہیں آسان اس سینٹرل ہائی بہتر تک کران میٹرک یا کران الیکٹوس کہم تم تو کہم جمع کور میرے پاس 69 تو 70 منتھ کے پہ ڈگری کالج اننت ناگ یہ زن واحد کالج ساؤتھ کشمیر یور زن سمدو ساؤتھ کشمیر اننت ناگ پلوامہ کلگام شوپیان اینڈ اننت ناگ اینڈ پیر پنچال تو دس واز دا اونلی کالج فرام رام بن ٹو آلموسٹ دس پمپور تو وہاں پڑھ کے ایک سال میں نے پڑھا تو 71 کور پتہ میں 12th پاس تمہیں دوس فسٹ ڈویژن گیا تمہیں دوس نہیں ہاتھ مزید ہاتھ مارکس یا ہاتھ نمنمت تمہیں دوس فسٹ کلاس پن فسٹ کلاس گیو 65% بیشی آتی سون رزلٹ آف 71 منس تک یہ ہے 5 فسٹ کلاس کشیر منز تک کیا پرسنٹیج 60% آئی واز 62.3% سو اس واری ہمان اوکے آئی واز سٹینڈنگ فرسٹ ان دی ہول ساؤتھ کشمیر دیٹ ٹائم تو مگر میں ایج بار گو کہ بہت شرح پلسی ہے تو تم دوس میڈیکل کالج نمن 17 پلس وی پیو ویریس پیارن بی وی پیو ویریس کالج بی گوسن 72 گو پبلک جی ایم سی سری نگر اچھا یہ تھے جیسا بھی جانوں میں جانا چاہوں گا سر اپ سے کہ आपका बचपन क्या बचपन में वो जो बच्चा जो शैतानियां करता है जो चंद्रमा के खिरप खिरपा सो खिरप शुड ऐसा कि नॉर्मल ऐसा तो बचपन से ग्रकन क्या वो तो क्रिकेट ऐसा गिंदा या कम खेल ऐसा कि तो इसको किताबी कीड़ा गई किताबन को किताबी कीड़ा में कभी नहीं था। अच्छा सर ऐसे सुगुर बहुत सौ रुपये गाड़ी में किताब थोड़ा बहुत ठीक most of them shiyad bo sahar singh de bara is ashraf so bas teacher rakh then he did phd physics so us par naam rasi topic what us me karan kal whatsapp par na please I would teach it there theek in the same class tam do ye bachche is kara gande gidan ase ani gidan ase theek aaj do days gidan cricket days gidan sheen ase rood ase we play cricket acha mushiyat agde is lagi bachche is ye jor bat is ke paidal پیدل گئے تتن بیٹ تو گندان کرکٹ کرکٹ واز اوور فیمس بی بی گراؤنڈ ویز آن دہس سویمنگ کر دہ پندہ شرح سران دہس کر سوے آبی آب اس پریت طرف سعود صوب ناگ اس ہمال ناگ اس گج ناگ اس مرک ناگ اس شیر باغ اس یپر اس وتھی کراس کر آبی آب اس خدا پتہ سے پتہ نہیں وہ پانی کہاں چلا گیا لوگوں تر کل بھرے تو بنے دریا بنے کل بنے نالے نالے بنے مکان بت لگو آز فض روبی تو مکان بنے ہم نے زیادہ بہت ایک پوسٹ آئی رائٹ آن فیس بک آلسو میں نے ایک بار کہا کہ یہاں پہ سیمنٹ اور لوہے کی شادی ہو گئی تو جو بیچ میں منجی میں اور سوچ سیک پریتر روپے نہیں کمپلیکس کمپلیکس آئی سکور پانون واٹر باڈی جم سائنیا آس اگر تو اگر تو کھچو مرک ناگ پڑے ہمائی ناگ اس نام اگر آپ کنڈیشن دیکھیں گے ہمارے جو ناگ تھے تم کے مچ آلموسٹ خراب تھا فنگس فنگس پریتر باز اچھے دوست آسان آب اس میں سوچ بھی نہیں یہ تھی چاہیے زانو یم تو ہنجے مطلب یم تو کلاس میٹس تہن چھو کہ اکثر مجھ گسان یہ زن نزدیکی اس ایریا تمہن مجھے ژیرہ ویرہ سٹھا کھانا یہ چیز تھی وا تمہن مز بے آج نا بس تراؤن ہزارس گھنٹہ دل کی کھسان کلس پہ پہ ژیر بار اینی جوئے ون آس رو نفر پیاران لوڑے دن وٹ تک گھنٹہ بیس طرف مجھے یاد تلکل نرسری سر
تولکن نظر تولچن کیم کیم یوس سیزن ایس سیزن تولکن بالکل تول اس کاون سیار اس کاون تم برکت ہے موکلی تم چنی نہیں یو سون گوم یا سن دوس بالکل میں کا بجے واپس ان اور شہر باغ پر اکسران کر پتہ ہے کہ سر انرجی اور اکسران کر اچھا اچھا تو پیس تھا وہ بچے جاتے تھے بہت 8 10 15 بچے سوئمنگ کرتے تھے آل سوئمنگ تو جو بھی بچہ کھیلتا تھا ہم کھیلتے تھے ساتھ ساتھ مگر آج چیز اس پرابلم اس جمعہ چھٹی آسن اس پر اسلام نے سکو اسے گسن بوس جمعہ تک سے پر سنو یہ تو تم تو نشاط سین میں آکر نشاط ٹاکی زاکو سے اور ٹاکی دفعہ تو ٹاکی ایسے ایت اس بابن جمعہ تو فلم ایسے فلم بھی نہیں کسر ہو رہا یعنی کہ آپ بھی تھے میں میں سے یاد اس بوس جمعہ ہائر سیکنڈری الیکٹو ایگزام تاون ہال اسن سینٹر ہے مارچ سیشن اسن سر اسن سے بعد میں ہاؤس میں دار ایدو نو مارچ چھو سکولن چھو کہی بھی ٹائم میں سے فادر ٹیچر سر سکول ٹھیک بعد گوس 9 بجے تو کہی بھی بھائی بھائی ٹائم ایگزام مگر میں سے فلم اپکار بھی نہیں اچھا اپکار چل میں سے بھی پھر بھی نہیں دیو اچھا بعد از اور 10:30 میں تو فادر سے کہ دوس میں بوس نہیں تان تمہیں نے بجے 10:30 کو بیرا بھائی بجتا ہے کہ اپچو زالج میں یاد کوسن پانچ میں کہ ایک گھنٹہ مزے ہال دی ٹھیک وہ ہی بیٹھ میں یہ گیو می لارا پی یہ کیا میں ٹھیک ہے میں گیا فلم دیکھ کے آیا جب رزلٹ آ گیا بس ٹرننگ گیم اگین فرسٹ ایز یوزول اس نو اٹھا سی کی تو اس میں کتابی کیڑا نہیں نہیں کتابی بچپن پن انجوائے تو تم پت ڈسپائٹ اف دیٹ اس وہ ٹاپ رن مز تھے بیسیکلی مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ٹائم جو ایجوکیشن تھی جو گورنمنٹ سکول اس کے بعد میں گورنمنٹ سکول میں گئے جو ایجوکیشن تھی ایجوکیشن بہت اچھی تھی اس ٹائم بھی اگر ہم کمپیئر کریں جو گورنمنٹ اسکول ہیں وہاں پہ کوالیفائڈ ٹیچرس ہیں کم از کم ایم ایس سی چھ بی ایس سی چھ پی ایچ ڈی چھ ایم فل چھ وہ بھی اچھا پڑھاتے ہیں اور تو اس ٹائم یہ تھا کہ ہم بے اس باقی یہ گیجٹس اس نے موبائل اس میں وی ہیڈ سم لمیٹڈ فیسلٹیز یہ تھے سب یہ جان میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا چونکہ تو اس بار سور خدا ہے سوال تو فادر اس ٹیچر اکثر ریزن وچن چھ تک زمانس مز کے ات بول کی تو ہوس کیا مالی حالت ہے ٹھیک مالی حالت ہے جی جو یہ لوکل سری تیتھی ہے جی ہم سب غریب تھے لیکن ہم سب خوش تھے ہمارے پاس سکون تھا وی ہیڈ پیس اف مائنڈ اللہ کے فضل سے ہم نے کبھی کوئی پرابلم نہیں فادر نے دس اس کا ہم کمی محسوس کر سٹرگل کیا روز ونکن کس مقام ہے جس کے ساتھ سنا اور ڈاکٹر شیخ مشتاق یہ منو کے بازی چھو اگر یہ برملہ نہ ہو جائے تو شکر خدا سے دستی شفا عطا کرمت کہ تو نش یمن یمن شد پیشنٹس باسن یا مہگو بچ ٹھیک اتس وات خاطر کم مشکلات تو برداشت کرم ڈاکٹر مشتاق سے نام ملو تو کم مشکلات پہ تو سامنے کرو کیا پیو برداشت کرو مشکلات چھ بیسیکلی پڑھائی تو میں یہ نہیں ہوں میں پڑھتا نہیں تھا میں دن کو کھیلتا پھر میں رات کو پڑھتا میں شوار یاد بہت سو ڈھائی بجے سونگن پر پڑھی and get up after 6 hours in the morning. Winter mein I would revision 3-4 times karta tha. Ye nahi ki main nahi padhta tha. School is padhna on first class, but manchuri melan tera tha is padhne ka tha. Diary tera tha. Usme bahut mehnat karte. To ustad bhi padhate the, hum bhi padhte the. To ek ye baat thi ki merit jo soch tha thoda value tha. So I think I was one candidate this time. MBBS mein last time. Ya J&K mein koi college GMC was Akoi J&K's man. 272 I joined to, that was the last batch of MBBS. Pad go 73 man GMC Jammu start. So soon was last batch. Interview ka suno us barabar us team agar 0.25 aise marks kamya us team mein the. Mate wellness first class wale GMC se na karne. My name second class is. Them was seven years baki jaye. Other states there was migration. Them was to run your nomination ملیشیا تھے فلسطین سے تو وہ بھی وہاں سے آتے تھے یہاں نومینیشن تو یہاں کے سیکنڈ کلاس ان کو ہوتا تھا ان کو بھیجتے تھے انڈیا ہمارے ملک میں باقی اسٹیٹس میں تو وہاں سے اسی طرح اور لڑکے ہمارے ساتھ آتے تھے تو محنت یہ ہے کہ جب پڑھتے تھے گھر میں ماحول ٹھیک تھا پڑھنے کا ماحول تھا سون کوٹ پور اس کوٹ پور لگ بھگ ساری ٹیچر پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ ٲسۍ سٲری یُس سون مکان وٕنکیٚنَس کھڑا چھُ اوس مےٚ ہم اَسہِ اوس آنٛگُن پٔتۍ ییٚلہِ اوس آنٛگُن کُنُے آسان ترٛےٚ گَرٕ ٲسۍ پوٚتُس پَتہٕ ماے کَزِن واز اےٚ فِزِشَن بیٛاکھ اوس آفتھَلمالجِسٹ سُہ ہم آی واز دَ فٔسٹ پیٖڈیٹِشَن آف ساوُتھ کَشمیٖر فرٛام پامپور ٹُو رامبَن تو اس کے بعد جب ہم پہلے پامپور جب ہم نے ایم بی بی ایس کیا ایم بی بی ایس 77 میں نے پاس کیا سری نگر میں
विद ऑल फर्स्ट डिवीजन, ऑल फर्स्ट क्लास। उसके बाद 78 में हाउस ऑफ किया, तो टेंथ के संदेश पी एस सी कन्फर्म हो गए, तो मेरी पहली पोस्टिंग काजीगुंड में हुई। काजीगुंड 1979 आई जॉइन एज ए मेडिकल ऑफिसर इन काजीगुंड। तो वहाँ पर यह होता था जनरल प्रैक्टिस करने, दो ढाई साल मैंने जनरल प्रैक्टिस करी। मैंने बहुत सी डिलीवरीज वहाँ पर की हैं, सर्जरीज की हैं, बाकी जनरल मेडिसिन काम किया, बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद फिर कॉम्पिटिशन आ गया, आई अपियर्ड इन ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन, दैन दोस्त पी जी आई चंडीगढ़, बी ओस एम्स, तो मनोज दबन आईलैंड सब एक्सलेंस। 1959 जो बनियो ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, बी पी जी आई चंडीगढ़, एम्स आईलैंड सब एक्सलेंस। अच्छे दिवस तमें दो जी जी मतलब सोन ब्रांच ऑफ पीडियाट्रिक्स मोस्ट सेंटर पीडियाट्रिक्स मैं जो सीट आस 1982 आई अपियर्ड। तो मैंने 82 एग्जाम दे दिया, तो आई क्वालिफाइड इन ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन। एक और था डॉक्टर जावेद चौधरी, मेरा बैच में हम दोनों, ये वो जम्मू का था मैं यहाँ का था, हम दोनों क्वालिफाई किया। तो ही रिटायर्ड एज प्रिंसिपल जी एम सी बारामूला, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द लीडिंग पीडियाट्रिशियन ऑफ दिस स्टेट। तो 84 तक बहुत मेहनत की है। मे ये पेवन याद कि मेडिकल कॉलेज ऐसे आसान तमन दोन सब फैसलटियाँ कहें आज हो, मैंने हॉस्टल नहीं देखा था, तमें दिन डेरस भी वो उस चोट बाजर डेरस, चोट बाजर उस घर अल्लाह ताला के दिमाग फिर तमें टूट उस बोब तम घर बिल्कुल उनके साथ खाते थे, पीते थे, 7-8 रुपये दिवन रेतस तमन रोज में बोर्ड पेइंग गेस्ट, मैंने पेइंग गेस्ट रहा है वहाँ पे। तो वो अल्लाह ताला मकसद करे मेरे उस बोबा को जो वहाँ पे थी, मेरा एग्जाम होता था सोच बेहन में सीधा की बेटा बेचता है बारह सौ मिसाल मतलब बारह सौ बारह सौ। तो वहाँ ये था कि इंजाम उस गर्मी में छाड़ा भी ए सी पर छाड़ा बलो तो ता नहीं, वो उस टेबल हम तपा मुझे याद है, वो उस टेबल हम तपा बैठे साज रहन त्रावन लेख रहन त्रावन एग्जाम के लिए। और पढ़ाई हमारी क्लासेस सुबह 8 बजे शुरू होती थी जी एम सी में 5 बजे। अगर ये वनकस डॉक्टर से मेडिकल कॉलेज से तमन पे वुन इतने एम्स पी जी आई मन 8-5 तमन दोन असन जी एम सी श्रीनगर मे 8-5 तो चिल क्लास मे ये कॉन्सेप्ट गरम पलो कत गरम चीज आम यह लागान है सारी तेज लागान अंटल ही गुस्त कई कॉलेज मन जाए ना फैन रत कल आ। तो बहुत मेहनत की थी, हमारा मोटो ये था कि हम पढ़े। वी यूज टू रीड फॉरन बुक्स, हमारे टीचर्स बहुत बड़े बहुत वेटरन टीचर्स थे, डॉक्टर नसीर साहब उस, डॉक्टर बान साहब उस, डॉक्टर गिरजादार। अच्छा यहाँ पे मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन जानना चाहूँगा कि डॉक्टर मुश्ताक को बनाने में अगर आपसे मैं कहूँ कि आप क्रेडिट किसको देंगे, तो होंगे ऐसे भी हाथ, ऐसे भी अफराद जिनकी शफकत रही होगी आपके पीछे, किसको आप क्रेडिट देंगे जिन्होंने एक जिन्होंने मुश्ताक अहमद को या शेख मुश्ताक को बेमार लोग बेमार डॉक्टर। तो मेरी मदद थी, मेरा फादर वो बोलती थी आपको डॉक्टर यही एम होता था जो भी क्लीम होती थी। फर्क मैं अपनी क्लास की बात करूँ, अपने जहाँ में पढ़ता था नस्ल इस्लाम में, वो उस क्लास में मैं ही डॉक्टरेट बन गया, एक इंजीनियर बन गया, वो एस सी बन गया, एक प्रोफेसर बन गया। तो बाकी तो अदर प्रोफेशंस के लिए गए, बिजनेस के लिए गए, जो जिसके नसीब में लिखा है। पहले ये है कि इट्स ऑल डेस्टिनी, अल्लाह हैज गिवन इट, इज हमारे प्रिंट में है, जीन्स में है, तकदीर में है कि क्या करना है क्या बनना है। उसके बाद मेरी माँ ने मेरे बाप ने मुझे बहुत इंकरेज किया, मुझे किसी कमी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। तो माई फादर वुड बी एट माई बैक, माई मदर वुड बी एट माई, माई सिस्टर्स वुड बी एट माई बैक, माई ब्रदर would be at my back. He was younger to me by 8 years. वो सब मेरे पीछे थे। तो मैं एक छोटा लड़का था उस टाइम, उसमें शेयर तो करें कहीं एट एज ऑफ 17 आई वेंट टू मेडिकल कॉलेज श्रीनगर 72। तो 7 साल वहाँ रह के एम बी बी एस करके हाउस जॉब करके आ गया फील्ड में, उसके बाद काम किया। उस टाइम तो बहुत कम, उस टाइम कहूँ कि हमारी तनख्वाह 400 रुपये होती थी स्टार्ट में, तो वो काफ़ी था उस टाइम, काफ़ी था, वैल्यू थी, काफ़ी था उस टाइम। यहाँ पे एक और बात देना चाहूँगा, डॉक्टर मुश्ताक तो पढ़ाई में आप अव्वल थे, सुना है कि आपके शौक भी थे, आप न सिर्फ जहीन थे पढ़ाई में, आप जब पेंसिल उठाते थे
और जब आप खाका खींचते थे, लकीरें खींचते तो इंसान की शक्ल बनाते थे, आप अच्छे मुसव्विर भी थे, आप अच्छे पेंटर भी थे, किस हद तक सही है? बहुत शौक था मुझे, बहुत शौक था मुझे, मैं बनाता था, अगर मेरे सामने बैठते तो मैं आपकी शक्ल बनाता था। तो मैं, मुझे क्लास में बोलते थे टीचर आप गाओ जी। तो मुझे बोलते थे आप गाओ, मैं पीछे चंडीगढ़ में था, वहाँ भी हम पार्टी करते थे, गाते थे। तो ये मेरे दिमाग में था, लेकिन पढ़ाई इतनी थी उस टाइम, इतना ध्यान होता था, ऑनली फॉरेन बुक्स पढ़नी पड़ती थी, इतना ध्यान होता था कि फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मैंने बहुत बार किया, मैंने किया एक हमारे सरनल के एक वहाँ दिए, एक श्रीनगर का था, उसका नाम मुझे याद, असलम साहब थे। असलम साहब के छोटे भाई का रोल मैंने किया, तो वो फिर वो छुरी मारते हैं, पूरा हम जो ड्रामा करते थे, हम गाते थे, वो कव्वाली गाते थे, गाने गाते थे, ये था, ये हमारा शौक था। तो ये मान के चले कि कहीं ना कहीं पे आपका जो प्रोफेशन है, आपको पढ़ना पड़ा, आपको जो है बिजी शेड्यूल होता है डॉक्टर्स का और आप जैसे रिनाउंड डॉक्टर का, तो अगर ये प्रोफेशन ना मिला होता तो शायद वो शौक भी परवान चढ़ता, आप शायद एक्टिंग में मजीद आगे जाते या उस मुसव्वरी में आगे जाते। मुझे अगर मैं ये ना होता तो शायद एक राइटर होता। अच्छा, या एक्टर होता। अगर आप डॉक्टर ना होते तो मैं आर्ट में चला गया। I would have been in the art, definitely in the art. बड़ा शौक था मुझे, अभी मेरे दोस्त है, मेरा पैशन है। I go on writing, उसको गाने लगाता हूँ, किसी को अच्छा लगता है, सुनने लगता है, मैं कोई गजल लगाता हूँ, उस पर I start writing. गाने सुनते हैं जब? गाने सुनते हैं। कौन सा favorite singer आपका? मेरा favorite singer तो मोहम्मद रफी है। गजलों में वो दिल में एक लहर सी उठी है, कोई ताजा गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह है, जगजीत सिंह है, बहुत बहुत अच्छा गाते हैं, मुकेश बहुत अच्छा गाते हैं, लता जी तो थे, उसमें कोई शक ही नहीं है। कभी कभी लिखना भी था, मैंने एक बार लिखना शुरू किया था तो मेरे दोस्त ने बोला लिखो, मैंने कहा वो शायर है तो लिखा मैंने, उन्होंने कहा चलो ठीक है लिखो। अच्छा। तो मैं लिखा मेरा कारोबार है किस कदर, मेरे दिल के दर्द से मुख्तलिफ, मैं तबीब हूँ किसी और का, तो मरीज हूँ किसी और का, ये नजर जो थी वो सहर के लिए मेरे अंजुमन में खलिश उठी, मेरे आईने में ना देखना वहाँ अक्सर किसी और का। तो लिखते थे उसके बाद फिर अपना काम शुरू हो गया, फिर चंडीगढ़ आ गए। मैं ये कह रहा जब चंडीगढ़ हमने ज्वाइन किया, खुदा कर चप्पल पहना हमने, जावेद और मैं बैच में थे, वहाँ 6-6 महीने बाद 2 कैंडिडेट साथ थे, इतना काम होता था। जब तक MD हमने किया 2.5-3 साल तक, वो चब ही चापल मेरे। अच्छा। वो सीखे नसाफ उतना काम करते थे। और इस टाइम मैं ये कहता हूँ जो PGI चंडीगढ़ है, अगर मुझे मौका मिले मैं अपनी जबान से उसको साफ पोंछा लगाऊंगा, और अशरवाल से आईलैशेस उससे मैं उसका झाड़ू लगाऊंगा। इतनी वहाँ डेडिकेशन, इतनी वहाँ रिसर्च, इतना वहाँ सिखाते थे, जो भी सीखा है अल्लाह के फजल से वहीं सीखा है। उसके बाद जब मैं 84 में वापस आ गया तो आई हैड द ऑप्शन टू गो टू इंस्टीट्यूट स्किम्स, आई हैड द ऑप्शन टू गो टू GMC श्रीनगर, दोनों जगह में। लेकिन पता नहीं मुझे क्या था, वैसा होम सिक था। मैंने कहा नहीं, मैं अनंतनाग अपने हॉस्पिटल में जाऊंगा। आई ज्वाइन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग, जो शेरबागी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, मैंने ज्वाइन किया। मैं 8 साल यहाँ पे रह गया, फिर कुछ हालात हो गए, कुछ बड़ा खुश था, तो वो मंजर अच्छा था, बड़ा खूबसूरत मंजर था। उसके बाद क्या हुआ था, मुझे मजबूरन 8 साल बाद श्रीनगर जाना पड़ा। तो यहाँ मैंने एस्टैब्लिश किया पीडियाट्रिक्स, उस टाइम कोई बच्चों का डॉक्टर यहाँ क्वालिफाइड था नहीं। मैं याद है एक लोम खुशू थे, वो बड़े बहुत ही बड़े माने हुए थे यहाँ पे, कुछ RMP थे लेकिन बच्चों का इलाज करते थे, तो उन्होंने मेरा इलाज भी किया है। उसके बाद मैं फर्स्ट क्वालिफाइड डॉक्टर यहाँ पे आ गया, तो ऑलमोस्ट महापुर से रामबन। मैंने फिर उसके बाद ट्रेन बहुत किए, मेरे अंडर बहुत लोगों ने MD किया है, इस वक्त 100 से ज्यादा होंगे साउथ कश्मीर में बच्चों के डॉक्टर, क्योंकि साउथ कश्मीर इज अ बिग प्लेस, वी आर गेटिंग 25 लाख पॉपुलेशन, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम एंड पीर पंजाल। हमारा मेरे पेशेंट आते थे, वो डोलवाल साहब थे, वो उनके बच्चे आते थे मेरे पास, में मुझे 80s की बात कर रहा हूँ। तो मैं 8 साल जहाँ दे के उसके बाद में चिल्ड्रन हॉस्पिटल चला गया। यहाँ पे सॉरी फॉर इंटरप्शन जाना चाहूँगा कि डॉक्टर मुश्ताक साहब के बारे में ये कहा जाता है कि ये अक्सर मैंने सुना है कि गुस्सा करते हैं, दफा
शरारत करना। डॉक्टर मुश्ताक छुट्टी है अक्सर आपकी मतलब आपके डायग्नोज को कोई नकारता नहीं है, मगर ये शिमा मानने की ये गुस्सा करते हैं, ये तलख मिजाजी बरतते हैं पेशेंट्स के साथ, किस हद तक सही है? ये एक कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। आई लव माई पेशेंट्स, आई लव माई चिल्ड्रन। जिस बच्चे को मैं देखता हूँ उसको मैं अपने बच्चे की नज़र से देखता हूँ। जो भी मेरे पास आता है बच्चे ही मैंने एज पन बच करूँ किए वन कह पेरेंट कित कह रहा हत दवा दिन यह त्रन दोन ओन दोन यह दिन हत गई ना दवा हाव अत दवा आमच यमिस वैक्सीन कर वैक्सीन क्या कर यमिस माज हूँ दुद दुस क्या ना मे ना बाकी हूँ डब दुद नव शो गो ना आई एम ए नेशनल ट्रेनर ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन ऑफ इंडिया वाई शुड आई नॉट प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग वाई डोंट यू गिव ब्रेस्ट फीडिंग यू गिव ब्रेस्ट फीडिंग अल्लाह हैज गिवन यू मिल्क यू गिव मिल्क तुम उस पर कभी कि मुझे आई लूज माई टेम्पर कि आप ये क्या करते हो इट विल बी इन ये उनकी अच्छाई के लिए होता है बेहतरी के लिए होता है लोग अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ तब मैं जवान था तो मुझे कोई कोई कहता डॉक्टर साहब आपने उस दिन मेरे को ऐसा थप्पड़ मारा था लेकिन वो खुश होते हैं वो कहते हैं आपने ये किया और मेरा बच्चा ठीक हो गया फिर बहुत बार आते हैं बहुत बार कई सालों बाद आते हैं लोग उस रात बोस रात क्लिनिक में आओ बच्चे बहुत नफर बचा नफर रखा हुआ 35 ईयर्स ओल्ड मैन है मैं यहाँ से लाने का समय तुमसे 84 उसमें लाने दवा तो वो बड़ा आदमी उसके 2-3 बच्चे तो आई रियली फील हैप्पी आई गुस्सा ये बच्चे लुकन के कथा लागे ए यहाँ यहाँ खुश कर दिन तेज गए डॉक्टर गए तेज डॉक्टर गए इंटेलिजेंट वो अल्लाह का दिया हुआ है। यू हैव टू गिव अ डायग्नोसिस टू चाइल्ड डायग्नोस देना है ट्रीटमेंट करना है पद खुदा शफा अत त्राई दवा मे कलम अद गई फर्क बिलो लेकिन मोक्सिल मोक्सिल मान से फर्क गा अमस गर्क अमस लारन गोर दवा शो बहुत पवन अकुई दवा अमस फर्क गर लिखित अहर अमस ग शफा बट हर पेशेंट को ये नहीं कि बहुत पुन पान मशीन बहुत बुझ बहुत फास्ट फास्ट आई डोंट डू दैट मैं मुझे पीजीआई में उन्होंने यही सिखाया कि एक घंटे में 8 से 10 पेशेंट आई डोंट सी आई कैन सी 50 पर आवर बट आई हैव टू टीच देम एज माय चिल्ड्रन अरे ये जिंदगी के साथ ये फाइल के साथ में ही देखना है आपको जिंदगी के साथ खेलना है तो लोग कहते हैं लेकिन बहुत से लोग मेरे से खुश हैं मैं एक वाक़ा बताऊँ 2012 में मेरे फादर साहब डेथ हो गई मेरा प्रॉब्लम हुआ था बड़ी सर्जरी हुई 10.5 घंटे इंतजाम था मेरी सर्जरी हुई थी लोगों ने इतनी दुआएँ मांगी असब तौर लेडीज गम अशमकाम अशमा तुमल अस्ताशोक सोबन तुम गिमे 10 घंटे तौर वो रोते थे लोग मैं आ गया और उनकी वजह से मैं ठीक हो गया अल्लाह के फजल से मैं ठीक हो गया 12 साल ये से सब ये जान ऐड करूं कि दबान तो उसने पाने से सेहत ठीक कोई मायसू अल्लाह ताला आपको शफा बख्शे दलील क्या उस पानस बस थोड़ा वो मेरा स्कूल में था कोई वहाँ पे कुछ ट्यूमर था अल्लाह की वजह से वो मैं इंग्लैंड निकला था इलाज करने के लिए मेरा एक बैच मेरे अंजिल बान है कारी सर्जन अंजिल बान से वेलून उठाने से कारी सर्जन ऑफ इंडिया वो मेरे साथ बैच में थे टीजे में उसे कहा नहीं हम यहीं कराएंगे आदर्श छूटे तो करा दिया हमने सर्जन 12-13 साल हो गए उससे फिर अल्लाह की वजह से वो बैच नॉमिनेट की तो अल्लाह का करना था उसे सारा चेंज कर दिया तो इट ऑल केम टू बी नॉर्मल बाकी ये जब बचपन में हम काम करते थे याद बहुत बहुत पढ़ा बहुत दाएँ बहुत सुबह चलो दाएँ आनू पट जाए रटन तथा बट वर्ड गाड़ी पत् ट्रॉन गुस रटन जाए भी शब तम ब्रोन सर अतान जिन बोर वैलिस थप लोकमोट शुर पक्सर जिन बोर से त्रन गि पत् गया सिनी बोर अन पत् गया लवास अन गि लवास यह बोस मोजि शेर सर लवास अन पत् गि क्रालिया स्रान कर स्रान कर चाय फादर पारने ईस कर बदल कल से हमने वो सब्जल वो काम करते थे आज मैं बचन पाई जुन पे जुन जुन फल पे खुद बच्च पे पत् मोल हर नाग से हर नागिस कोच भर उस बोहर मे दिसात मोट दिसात दाह दाने सी दाने सी मिल पुठ दाने पत् पे झोकना पत्न मुन्ना पत्स बोहर तुलने बोहर थानी बे गि कर जमा मेहनत करनी पड़ती थी ये नहीं कि मेहनत करते थे मेहनत बचपन से ही मेहनत की उसके बाद 1670 फिर मुझे पता नहीं मैंने फिर बैग देखा नहीं कॉल फिर शादी हो गई 81 में वहीं से मुझे चंडीगढ़ मिल गया वहाँ से आके फिर मुझे ऑप्शन मिला उसके बाद आई स्टेड हेयर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल था बहुत अच्छा बहुत काम होता था उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ मुझे मजबूरन यहाँ से हिजरत करनी पड़ी श्रीनगर
तो मैं 92 में गोल्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल जीते लगभग त्रवरी में अच्छे फ्रेंड बैठने के सर ही सो दे रहे थे मैं उसने 80-12 दी थी बिकॉज बाहर क्या आई एम 90% फ्रेंड दे आर इन वेस्ट माई 90% फ्रेंड आर इन अमेरिका दे आर इन यूएस दे आर इन यूके मगर त्यों मानो मुझे पानी जाग जो है वेस्ट कोस्ट यू आर हैप्पी यू आर लकी वो ये बोलते हैं कि दूर के डोल साहब ने फिर श्रीनगर गया मैं श्रीनगर उसके बाद मुझे सोरा मिला सोरा में प्रोफेसर बन गया प्रोफेसर मैं वहाँ 25 साल रहा फिर मैंने ऑल इंडिया एम्स में कर दिया फेलोशिप उसके बाद मैंने त्रिवेंद्रम जाके वहाँ मैंने एक साल का कोर्स किया पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी डेवलपमेंट न्यूरोलॉजी डॉक्टर खुर्शीद थे मैं थे वो भी प्रिंसिपल हैं जी एम सी हरिद्वारा के हम दो थे वो कर लिया उसके बाद मैं काम किया एम डी कराया लोगों को एग्जामिनर गया बहुत बहुत यूनिवर्सिटीज के पास बहुत लोगों को पढ़ाया अंडर ग्रेजुएट टीचिंग पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग कॉन्फ्रेंसेस किए मुल्क में मुल्क से बाहर गए तो उसके बाद आई रिटायर्ड वो उन दिनों आई वॉज पेइंग 20,000 रुपीज रेंट एट्स प्रोफेसर क्वार्टर इन स्किम्स 5 लाख का मिलता था मकान बानवी में श्रीनगर में राजबाग जवाहर देखे सनत नगर पैसा था अल्लाह के फजल से आई कुड हैव परचेज्ड अ हाउस फॉर फाइव लेकिन नहीं मुझे पता नहीं मेरा दिल यहीं रहता था अनंतनाग में ही मेरा दिल था नहीं तो मैं इजीली आई कुड आई थिंक आई एम द ओनली डॉक्टर हु हैज कम बैक फ्रॉम श्रीनगर जो 25-30 साल वहाँ 32 साल दिए मैंने वो वापस नहीं देखा नहीं मुड़ के लेकिन मेरा दिल यहीं होता था माय मदर यू वांटेड मी टू कम हियर माय फादर वांटेड टू बी हियर मेरी जमीन थी मेरे 4-5 सौ रुपये में आईने बराबर थी मैं उस जमी मकान बरामद मैंने वो बेच दिया मैं कहा अपना घर है यहाँ पे करना क्या लाइफ क्या है लाइफ इज एक बच्चा पैदा होता है वो क्राई करता है ठीक में देगी इसने सांस ले ली इंस्पायर किया फिर वो मर गया उसने एक्सपायर किया एक सांस बाहर छोड़ दी दिस इज लाइफ इज इंस्पायरेशन के और एक्सपिरेशन में जिंदगी गुजारनी है अब जब मैं पीछे देखता हूँ तो 50 साल गुजर चुके हैं जब से मैंने होश संभाला तो मैं देखता हूँ पीछे 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं इट्स अ हाफ सेंचुरी हाँ मुझे लगता है एक जन्म हो गया है तो उसके बाद जब वहाँ इंस्टीट्यूट में काम कर दिया अल्लाह की फजल से बहुत अच्छा काम किया मकान शिकार ने लिए वापस आ गया 2017 में मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी यहाँ नया मेडिकल कॉलेज खुल गया तो इनको चाहिए थे प्रोफेसर प्रोफेसर थे नहीं इनको इन्होंने हम 16 के 3 प्रोफेसर लाए 3 लाए जी एम सी श्रीनगर से तो हमने एक कॉलेज एस्टेब्लिश कर दिया मैं एचओडी यहाँ हमने गया वही शेरबाग उसी हॉस्पिटल में मैंने देखा वहाँ पे वो बेड्स छोटे थे मैंने ये चेंज किया वो चेंज किया मैं 1986 की एक बात बताऊँ गवर्नर राज था जगमोहन दे गवर्नर मेरा वार्ड 5 था वार्ड 6 खाली था 7 और 8 डॉक्टर कंट साहब थे फिजिशियन तो गवर्नर जगमोहन साहब आ गए तो उसने मेरे को हाथ पकड़ा डॉक्टर यहाँ रहो कोने में मैं रह गया तो वटाली साहब थे आई डी आई जी और लहमीद खान साहब थे डिविजनल के उनको बोला इनको पूछो बीमारों को ये क्या बोलते बहुत तारीफ करी बोला क्या चाहिए व्हाट डू यू वांट मैं तो बोल रहा मशीन ईसीजी मशीन एक्सएमएस कैंडिडेट मैंने सर मुझे एक और वार्ड दे दीजिए 10 बेड और दे दीजिए मैं गया अगले दिन अल्लाह की कसम मैं ड्यूटी आ रहा हूँ तो वो डाउनलोड हो रहे हैं ट्रक से वो नीचे उतार रहे हैं वो अगले दिन दे दिए 24 आवर्स में मुझे और 10 बेड दे गए मेरे 20 बेड थे 20 बेडों पर मैं 2-2 बच्चे रखता 40 बच्चे एक बच्चे को टेटनस हो गया उन दिनों वो बच गया उसका नाम मुश्ताक रखा ही 40 ईयर्स ओल्ड तो ये जानना चाहूँगा कि मैंने ये भी सुना कि जिस बच्चे को आपने बचाया है इस टेटनस में उसका नाम मुश्ताक जो रखा है वो आपके नाम पे हाँ बिल्कुल बहुत लोग रखते हैं ये काजीगुंड का एक बच्चा था उसका था टेटनस न्यूनेटल टेटनस उन दिनों टेटनस बहुत टेटनस अदरवाइज भी खतरनाक बीमारी उसमें तो लोग बचते उन दिनों तो वो ATS आता था वो रिएक्शन होती थी उसको मैंने मैनेज किया अल्टीमेटली सर्वाइव किया एंड ही उन्होंने नाम वही दिया तो वो उस टाइम मेनिनजाइटिस हुआ करता था अब इन्फेक्शन कम हो रहे हैं वर्म कोल का आसन आम गंड तेमोज ठीक है वो उस आसन दो हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट की वजह से इस बच्चे की जान बची और एजाज उस बच्चे का नाम उसके माँ बाप छोटा बच्चा था अल्लाह का फजल सब अल्लाह का फजल था मेहनत करी अल्लाह खुश था मेहनत करी माँ बाप की दुआएं थी बहन भाइयों की दुआएं थी सबका सपोर्ट था कंबाइंड फैमिली थी बहुत खुश थे माहौल थी सब खुश अब भी अल्लाह के फजल से मेरे से खुश है लोग ये अब कुछ लोग ये बोलते हैं ये आफत की है जो अखिल बना जी जो अखिल बना जलते हैं मुझसे वो जलते हैं अरे नहीं है ऐसी बात नहीं है आई एम द मोस्ट ह्यूमरस पर्सन यू आस्क माय पेशेंट वो इतने खुश होते हैं आई एम द मोस्ट ह्यूमरस पर्सन यहां पे अक्सर मैं ये भी जाना चाहता हूं कि आप आज कल जो है आपको टाइम मिलता है क्या वो शौक फिर से परवान चढ़ा वो शायरी का
نہ بولو میں پروز لکھوں شریعہ کیا بولتے ہیں نہ یہ تو یہ اس میں آخری میں بات لکھوں بٹ یہ نو آئی رائٹ پروز آئی رائٹ فیس بک آل اٹ ٹیکس می 5 منٹس اللہ کے بعد مجھے تعارف بھی اگر دوست شام نماز شام پر سب بھی آئی ڈونٹ نو بگو سات پانچ روشان مجھ سے میں کہا ہوں مجھے نے ایم آئی انڈس ورلڈ میں کہیں اور تو نہیں اور دنیا میں نہیں میں کنفیوز ہو گیا پریشان ہو گیا میں ہوں کہاں یہ 40 منٹس گزر گئے تھے مجھے لگا کہ پتہ نہیں میں شاید دوسری دنیا میں اللہ کے پاس گیا ہوں اور پھر میں یاد اصحاب کہف کیا اس کو تمہوں نے رات روا بھائی تمہوں نے فوج اس پت حضرت یوسف یا حضرت عزیر جو اس کو گدا ساتھ روٹی ساتھ تھی اس کو سو تم نے کیا بنے ہاتھی وہ ہوشیار سو کچھ ایسے ایسے خیالات آ گئے رائٹ دا پوسٹ آئی رائٹ پوسٹ اٹ ٹیکس می 5 to 10 منٹس ٹو رائٹ دا پوسٹ پھر میں اس کے بعد اس پوسٹ کو میں کوئی اس کو یا کوئی گانا رکھتا ہوں یا کوئی غزل رکھتا ہوں ساتھ میں جو ریلیونٹ ہو بٹ خود میں یہ نہیں پھر دیکھ سکتا میں اپنی مسز کو بولتا ہوں وہ پرنسپل ریٹائر ہوئی ہے ایم ایس سی زولوجی ہے وہ پڑھتی ہے پھر میں کہا اب میں پڑھ نہیں سکتا ہوں اینڈ کبھی کریکشن ہے وہ کرتی ہے تو پھر میں نے یہ اس اپنے ایریا کا نام رکھا GK03 کیونکہ میں چاہتا ہوں ہمارے ہیلتھ میں جو اللہ کے بدل سے ہو رہا ہے رجیم ہمارے رجیم جو ہے بہت اچھی رجیم ہے ٹیکنگ کیئر آف اس کہ ہماری سڑکیں ہوں ہمارے ہاسپٹل ہوں ہمارا میڈی کیئر ہو ہمارا 500 بیڈ میڈیکل کالج ہاسپٹل دیالگام میں ہو کیونکہ ہمارے پاس بہت اچھا میڈیکل کالج ہے اس ٹائم ایک پرنسپل ہے ڈاکٹر رخسانہ بہت اچھی اسٹرکٹ لیڈی ہے بہت اچھی اینستھیزیا ہیڈ میں کام کیا ہے ویری لولی لیڈی بہت کام کرنے والی ڈاکٹر ہے تو مجھے امید ہے کہ ہمارے ہم کو بھی کیونکہ بچوں کو ہسپتال سری نگر میں دیا گیا 500 بیڈ چلڈرن ہاسپٹل آنلی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آ جا جہاں ہم بستے ہیں وہاں بھی لوگ بستے ہوں آپ بے وجہ پریشان سے کیوں ہیں مادام لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی میں جہاں بستا ہوں وہاں انسان نہ بستے ہوں گے ہم بھی انسان بستے ہیں ہم کو یہ ہے کہ ہم کو بھی 500 بیڈ ملٹی اسپیشلٹی میڈیکل کالج ہاسپٹل جالگام میں دیا جائے یہاں پہ سر زندگی میں یہی کہوں گا زندگی کیا ہے ایک سانس سے دو سانس لیتا ہے دو سانس سے بچہ پیدا ہو گیا سانس لے لی سوزنگ کرائی اگر بچہ جنم پہ کرائی نہ کرے اس کو سیریبل پیلسی ہوتی ہے بیکاز میں بیسیکلی پیڈیٹرک نیورولوجی زیادہ کرتا ہوں نیورولوجی بہت کم میرے بہت پیشنٹ آتے ہیں بہت سے پیشنٹ ہول ویلی کے انفیکٹ اسٹیٹ کے بھی آتے ہیں تو جب یہ ایک کرائی بچہ کرتا ہے جو رونے کی آواز اٹس اے سوزنگ کرائی سود ہوتا ہے اس کے بعد پھر جب انسان کوئی مر جاتا ہے تو ایکسپائر کر دیتا ہے یہ دو سانسوں کے درمیان جو زندگی ہے اسی میں ہم کو جینا ہے اسی میں جو ہم کو رول دیا گیا ہے ہمارا وہ رول نبھانا ہے ہم کو وہ رول نبھانا ہے جو کام مجھے دیا گیا ہے مجھے وہ کام کرنا ہے ایمانداری سے کرنا ہے ہاسپٹل جانا ہے میری ڈیوٹی آج کل 9 to 5 میں کیوں جاؤں 9:30 میرے فادر میرے بولا کرتے تھے تندوس آسن ڈاکٹر زور یہ 10 بجے تھون کالم پتھر برابر اور میں نے وہی فالو کیا ہے ہر جگہ اور یہ بھی چاہتا ہوں میرے بچے بھی یہی کر رہے ہیں آئی ایم ریئلی ہیپی کہ میرے بچے ماشاء اللہ اللہ کے فضل تینوں ڈاکٹر ہیں وہ بھی یہ کر رہے ہیں بٹ دے آر فالوئنگ می فوٹ اسٹیپس تو میری مسز ہے شی واز اے ویری اسٹرکٹ لیڈی میری مدر تھی اللہ کے فضل سے وہ بہت ریلیجیس تھی بہت اچھے دیوا خاندان کی تھی میرے فادر صاحب نے بہت لوگوں کو پڑھایا ہے گھر میں ماحول جو تھا میرے انکل تھے میرے باقی جو تھے میری بہنیں جو ہیں وہ بھی ٹیچر وہ بھی گیسٹ آفیسرز ہیں بھائی بھی سب نے پڑھا ہے پڑھائی کا ماحول تھا آپ سے میں اگر یہ کہوں کہ وٹ ول بی یور میسیج آپ کی میسیج کیا رہے گی ینگ جنریشن کے لیے یا ینگ ڈاکٹرس کے لیے یا وہ لوگ اگر کسی باپ نے بچے کا نام آپ کے نام پہ رکھا اگر کوئی یہ لے کے آرٹیکل لکھتا ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد کہ مجھے ڈاکٹر مشتاق جیسا بننا ہے ڈاکٹر ان کے لیے آپ کی میسیج کیا رہے گی نئے ڈاکٹرس کے لیے آپ کی میسیج کیا رہے گی وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کے چاہتے ہیں کہ آپ کے نقشے قدم پہ چلیں پہلے یہ ہے زندگی کو اپلائی لیجیے ڈونٹ بی سیریس جو لکھا ہے وہ مل جائے گا لیکن آپ کو محنت کرنی آپ کو ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتا ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتا میں کیا کروں مجھے عادت ہے مسکرانے کی میں مسکراتا ہوں میں ہنستا ہوں میں پیشنٹ کو ہنساتا ہوں یہ لوگ جلتے ہیں مجھ سے وہ میرے آپ میرے پیشنٹ میرے کلینک پہ آ جائیے لوگ خوشی خوشی میرے کلینک سے باہر جاتے ہیں خوشی خوشی جاتے ہیں یہ ہے اگر جو بھی کام آپ کو سونپ دیا گیا ہے جو آپ کا کام ہے جو میرا کام ہے جو ان کا کام ہے اپنا کام ایمانداری سے
ईमानदारी से करिए, पैसा यू शुड नॉट फॉलो मनी, मनी शुड फॉलो यू, दोनों में कमर्शियल, कमर्शलाइज मत करो अपने आप, यहाँ साथ कोई कुछ नहीं ले जाएंगे मेरे पास, अब मैं बताऊंगा मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त जो मेरे साथ बड़े हो गए, मेरे पास करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, क्या ले जाएंगे साथ, नथिंग विल गो विद यू, ओनली योर नेम विल गो विद यू, ये हम वो भी नहीं कहाँ रहेगा, 50 साल बाद कौन जानेगा, हम मुझे अपने दादा का नाम पता है, नाना का नाम पता है, उसके बाप का नाम मुझे पता है नहीं, आज के बाद 2 जनरेशन 50 साल मेरा नाम किसको पता होगा, है ये मेरा जमीन है इसके कॉलोनी, वो थोड़ी मेरा है, वो तो चलता है जन्म पता नहीं कितने सालों से, मुंतकिल हो जाएगा, मुंतकिल हो जाएंगे, ये तो मुंतकिल हो जाता है, जो अपना काम है, जो मेरा काम, मेरा काम फॉर एग्जाम्पल बच्चों का काम है, मैं डॉक्टर, अगर मैं सर्जन होता मैं अच्छा सर्जन नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे बनाया था बच्चों को ठीक करने के लिए, अगर यहाँ 50 बच्चे आएंगे वो चिल्लाएंगे, वो रोते हैं, मैं उसमें ही खुश होता हूँ, मैं उसी में पेशेंट डायग्नोज करता हूँ, अगर फिजिशियन को ऐसे देंगे वो ही नॉट एबल टू थिंक अबाउट दिस थिंग, सो जो मेरा अपना काम है, जिसका जो काम है, हर एक ज़रूरी है, ये नहीं कि डॉक्टरी है, कोई बिजनेस मैन उसको ईमानदारी से काम करना है, डू योर जॉब विद ऑनेस्टी, ऑनेस्टी से काम करो, आपको कुछ कोई किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी, डोंट रन आफ्टर मनी, मैं ये यहाँ कम्प्लेक्स बनाऊंगा, वहाँ कम्प्लेक्स बनाऊंगा, ये बाग लूंगा, वो प्रॉपर्टी लूंगा, क्या लेना है, साथ कुछ नहीं जाएगा, बी सेटिस्फाइड, इट्स बेटर टू बी सेटिस्फाइड, या ऐसा है कि मेरा दोस्त परसों अमेरिका से मेरे को बोलता है, यार तुमने वहाँ ये इतनी मेहनत करी, अब तो पैसा है तेरे पास, ये नहीं हूँ पैसा है तेरे पास, कहता इट्स बेटर टू यू हैव लिव्ड पावर, नाउ यू आर डाई, यू विल डाई एज इट्स यू विल डाई एज रिच, नहीं डाई एज छोड़ यार तू क्या समझेगा, तू यहाँ गया अमेरिका गया, तू इंग्लैंड गया, तो वहाँ से तूने क्या किया, ठीक है तूने भी काम किया अपने, वहाँ भी खिदमत की, वहाँ भी पेशेंट है, वो भी इंसान है, उसको कोई सऊदी अरेबिया गया, ऑस्ट्रेलिया गया, अमेरिका गया, उसने भी वहाँ खिदमत ही की पेशेंट की, अब मैं सोचा अगर मैं अमेरिका जाऊँ वहाँ बच्चा अंग्रेजी करेगा, अरब जाऊँगा वहाँ बच्चा अरबी करेगा, क्यों ना अपने कश्मीरी बच्चे को देखूँ, आगे मजबूर यहाँ चतुर्गुल पहलगाम बच्चे, हालसार बच्चे, कबरन बच्चे, बानहल बच्चे, रामबन बच्चे, गुलगुलाबर बच्चे, Why not see your own children? ये है कि अपना काम जो आपने अल्लाह को, ये ड्रामा चल रहा है, दुनिया चलती है, दुनिया ये वक्त अभी कल आएगा नहीं, वक्त अपनी जगह है, वक्त ज़माना है, ज़माना अल्लाह है, ज़माना गुजरता नहीं, वक्त नहीं गुजरता, इस वक्त 12 बज गए, कल फिर 12 बज जाएंगे, वी आर पासिंग थ्रू टाइम, हम निकल रहे हैं टाइम वहीं पर, टाइम इज़ अल्लाह वाला सरीन इंसान की, टाइम वहीं है, हम गुजर जाते हैं, इसलिए जो काम आपको दिया गया है, आप दुकानदार हो, आप स्वीपर हो, आप मुलाजिम हो, आप डॉक्टर हो, आप मीडिया में हो, अपना काम ईमानदारी से करिए, मेहनत से करिए, बाकी रेस्ट यू लीव टू हिम, ही विल डू इट। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, दिल तो चाहता है कि गुफ्तगू को आगे ले जाए, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त वक्त मुकर्रर होता है, तो डॉक्टर मुश्ताक के बारे में क्या कहें, आपने तो उनकी जुबानी सुना, हाँ ये वो डॉक्टर है जिन के नाम पे माँ बाप अपने बच्चों के नाम रखते हैं, ये वो डॉक्टर है जो अपने डायग्नोज के लिए मशहूर है, ये वो डॉक्टर है जो हमारी सरजमी की शान है, ये वो डॉक्टर है जिनके नक्शे कदम पे नए डॉक्टर बन रहे हैं और चलने की कोशिश कर रहे हैं, और यूं कहें कि यह है हमारा सरमाया, यह है हमारा असासा, हम तो दुआ करेंगे कि हमारा असासा और हमारा सरमाया न लुटे, बल्कि ये काफ़ी लंबे वक्त तक हमारे साथ रहे, और हम आपकी सेहतियाबी के लिए, आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ करेंगे, और यही कहेंगे कि आपका साया हमारे ऊपर रहे, आप हमारी सोसाइटी में रहें, क्योंकि आप हमारे लिए अनमोल हीरा हो, और हम नहीं चाहते हैं कि इस अनमोल हीरे की जो चमक है वो हमसे दूर जाए, बल्कि चाहते हैं कि हमारे इस समाज में रहे और मजीद हम इससे फैज लेते रहे। इस वक्त इसी वादे के साथ कि फिर आपसे मिलेंगे, फिर आपसे बात करेंगे, और अब तो आज आपकी ज़िंदगी के बारे में हमने बात की, नेक्स्ट एपिसोड में डेफिनेटली किसी डिजीज़ पे बात करेंगे, तो मैं डॉक्टर साहब आपका अपनी जानिब से, अपनी मैनेजमेंट की जानिब से, पूरी टीम की जानिब से दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से जो है ये लम्हात, ये वक्त हमारे लिए निकाला और हमारी दावत की लाज रखी आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।